ये उन लोगों के छोड़े हुए हैं जो मुझसे पहले इस रूम में रेंट पे रहते थे। डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं दुकान पे हेड एंड शोल्डर लेने पहुंचा। देखता हूँ कि दुकान वाले भैया तो यहाँ है ही नहीं। फिर बगल में नजर पड़ी तो देखा कि दाढ़ी बनवा रहे थे। कितना लेते भैया दाढ़ी का? मतलब 20 रुपए में काम 25। भैया ने पूछा कौन सा साबुन चाहिए, मैंने कहा सस्ता सुंदर टिकाऊ मजबूत वाला। He was like, फिर तो लाइफ बॉय ले जाओ बेटा। मैंने कहा यार अंकल इससे तो मैं अपने कुत्ते को नहलाता हूँ। वहां से मैंने अपने लिए एक फ्यूज लिया और दूसरी दुकान पे चला गया। वहां जाके देखता हूँ तो यहाँ भी दुकान वाले भैया गायब। कोई है? नंबर वन साबुन और हेड एंड शोल्डर लेके घर की तरफ निकला तो देख रहा हूँ आशिक अपनी महबूबा को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि बेबी साइलेंट पे था यार, बात समझो। ऐसा मत किया करो लड़कियां यार, तकलीफ होती है, दुख होता है, हमारा भी दिल है। हॉस्टल में मछली बनी थी जो देखते ही मुंह में पानी आ गया, तो दाब के मछली खाई और नहाने का प्लान किया कैंसल। देख लेना अगली वीडियो भी कल की इसी टी शर्ट में आएगी। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हो मन चंगा तो क्या नहाना गंगा।